दो दिन पहले ज्वेलर्स पर हुए हमले के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्ण रजत मार्केट पहुंचकर व्यापारियों को लठ मारे और कहा कि खुद की सुरक्षा खुद करें, क्योंकि पुलिस प्रशासन व्यापारियों को सुरक्षा नहीं दे सकता। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अनिल सुवालका के साथ पहुंचे दर्जनों कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों को लठ सौंपे और उन्हें सतर्क रहने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि बयानों में कोटा की सुरक्षा व्यवस्था को भगवान भरोसे होने का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में आम जन और व्यापारी वर्ग कहां जाएं? बड़े शर्म का विषय तो यह है कि पूरे शहर की जनता ये कह रही है कि अब जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। आज एक माननीय विधायक साहब का बयान आया है कि भगवान भरोसे कोटा शहर की जो कानून व्यवस्था, अब भगवान ही मालिक है। शहर की जनता भी यही कह रही है कि अब भगवान ही कोई ना कोई रखवाला है। तो हम आज व्यापारियों को कांग्रेस की तरफ से जो है उनके सुरक्षा के लिए ये जो डंडा है वो इनको देने आए हैं और उनसे ये अपील करने आए हैं कि अब जो कानून व्यवस्था है वो भाजपा सरकार के जिम्मे ना रखें और अपनी सुरक्षा खुद करें, और इस यही हमारा मकसद था आज आने का। आए दिन लूट हो रही है, चोरी हो रही है, व्यापारी परेशान है, दहशत के अंदर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विधायक का ये शर्मनाक बयान आया ना कि कोटा की जनता भगवान भरोसे है, तो इस राज पे तो किसी का विश्वास ही नहीं रहा। जब विधायक ही विश्वास नहीं कर पा रहे तो आम जनता क्या विश्वास कर पाएगी।